हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एरिया इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि हमने विलियन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सांद्रता कैसे ज्ञात की जाती है उसकी बात की थी कि सांद्रता ज्ञात करने के लिए परसेंट वेट बाय वेट, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलरता और मोललता, PPM, PPB ज्ञात कर ली थी। आज हम बात करेंगे कि कितने नंबर हो गए, 5, 8 नंबर क्या होगा, नॉर्मलता। आज हम बात करेंगे नॉर्मलता कि नॉर्मलता कैसे ज्ञात की जाती है। कि जैसे 1 ग्राम तुल्यांक में उपस्थित, 1 ग्राम तुल्यांक में उपस्थित, यहाँ ध्यान रखना क्या दे रखा है कि 1 ग्राम तुल्यांक में उपस्थित विलयन की सांद्रता को, विलयन की सांद्रता को उस विलयन की नॉर्मलता कहा जाता है। उस विलयन की नॉर्मलता कहा जाता है, नॉर्मलता कहा जाता है, नॉर्मलता है। इसे किससे दर्शाते हैं, एन से, इसे एन से दर्शाते हैं। तो इसको ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होगा, इसे एन से दर्शाते हैं, फॉर्मूला क्या हो गया, पदार्थ का तुल्यांकी भार, पदार्थ का तुल्यांकी भार और क्या, विलयन की सांद्रता। बोले तो विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, आयतन किस में हो, लीटर में हो या ml में। लीटर में हो तो सीधा और ml में हो तो 1000 से गुणा कर देंगे लीटर में बदलने के लिए। तो इस प्रकार हम नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हैं। तो पदार्थ का तुल्यांक के बाहर निकालना मैंने बता दिया था, और विलयन का आयतन जो क्वेश्चन में दे रखा होगा या लीटर में हो या ml में, ठीक है। जैसे नॉर्मलता ऐसे भी हम ज्ञात कर सकते हैं, एक अलग सूत्र है इसका कि नॉर्मलता इज इक्वल टू मोलरता इंटू एक्स फैक्टर। एन का नॉर्मलता, यहाँ पे ध्यान रखना मोलरता है कैपिटल एम, मोलेरिटी, और एक्स फैक्टर क्या होता है ये भी बता देते हैं, अम्लता, क्षारकता, ये भी बता दिया था, अम्लता H प्लस आयन, क्षारकता OH माइनस आयन या रेडॉक्स परिवर्तन। क्या होता है रेडॉक्स परिवर्तन, जो उस पर आवेश पाया जाता है पॉजिटिव नेगेटिव। तो अम्लता, क्षारकता या रेडॉक्स परिवर्तन ही X फैक्टर होता है। तो इस प्रकार हम नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि एक्स फैक्टर कैसे निकालते हैं, अम्लता या क्षारकता बात करते हैं, और तो फॉस्फोरस अम्ल दे रखा है, और तो फॉस्फोरस अम्ल क्या होता है, एक है और तो फॉस्फोरस और एक है और तो फॉस्फोरिक अम्ल H3PO3। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, इसमें अम्लता या क्षारकता ज्ञात करने के लिए पहले इसकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। ये ध्यान रखना पहले केंद्रीय परमाणु कौन सा है, P, ठीक है। ये ध्यान रखना पहले तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फिर इसमें पता होना चाहिए कि सेंट्रल एटम कौन सा है, केंद्रीय परमाणु कौन सा है।
एच डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच, तो एच 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 तीन एस थ्री हो गई, एक पी सेंट्रल एटम और ओ थ्री, 1 2 3, तो स्ट्रक्चर हो गई किसकी, और तो फॉस्फोरस अम्ल की। तो इसमें ओ एच माइनस आयन कितने हैं, दो, तो एक्स फैक्टर इसमें कितना हो जाएगा, दो। और आगे हम बात करें और तो फॉस्फोरिक अम्ल की, किसकी, ये फॉस्फोरस है, आगे बात करेंगे फॉस्फोरिक अम्ल की, ऑर्थो फॉस्फोरिक अम्ल की। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, पहले इसका देख लो फॉर्मूला क्या होता है। फॉस्फोरस का होगा H3PO3, और फॉस्फोरिक का क्या होगा, H3PO4, H3PO4। इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, सेंट्रल एटम क्या है, पी, सेंट्रल एटम क्या हो गया, पी। तो इसमें चार ऑक्सीजन है, ध्यान रखना, तो एक तो ऊपर आ गया, नीचे बचेंगे तीन, और तीन ही हाइड्रोजन है, तो OH हो जाएंगे, तीन ही OH, 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 OH। तो ये स्ट्रक्चर किसकी होगी, और तो फॉस्फोरिक अम्ल की। तो इसमें OH माइनस आयन कितने हैं, 1 2 3, तो इसके एक्स फैक्टर कितने हो जाएंगे, तीन। और ऐसे ही H2SO4 के कितने हो जाएंगे, दो। इस प्रकार एक्स फैक्टर हम निकाल सकते हैं, मोलरता दे रखी होगी या हम ज्ञात कर सकते हैं, तो इस प्रकार हम नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हैं। ये पदार्थ का तुल्यांक के बारे में मैंने बता दिया था, कैसे ज्ञात किया जाता है, विलयन का आयतन दे रखा होगा और ml में होगा तो 1000 से गुणा कर देंगे, तो इस प्रकार हम नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हैं। तो नॉर्मलता ज्ञात कैसे करते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं अभी। जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि 0.1 m और तो फॉस्फोरस अम्ल की नॉर्मलता होगी, क्वेश्चन क्या दे रखा है, 0.1 m और तो फॉस्फोरस अम्ल, और तो फॉस्फोरस अम्ल का सूत्र क्या होता है, अभी बताया था फॉस्फोरस H3PO3, और तो फॉस्फोरस अम्ल की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। यही है क्वेश्चन कि 0.1 m और तो फॉस्फोरस अम्ल की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करेंगे, इसमें क्या दे रखी है, ध्यान रखना मोलरता दे रखी है, और तो फॉस्फोरस अम्ल, इसे हम एक्स फैक्टर निकाल सकते हैं, तो ये वाला लगेगा फॉर्मूला कि मोलरता इंटू एक्स फैक्टर। तो नॉर्मलता इज इक्वल टू मोलरता क्या हो गई, 0.1 m इंटू एक्स फैक्टर, और तो फॉस्फोरस अम्ल, इसका एक्स फैक्टर क्या होता है, ये तो फॉस्फोरिक का है, फॉस्फोरस का क्या था, H3PO3, तो इसमें P सेंट्रल एटम, OH OH OH, इसमें OH कितने हैं, 2H, तो एक्स फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.2 n। इस प्रकार हम नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा हो कि 10 n H2SO4 की मोलरता होगी, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, कि इस बार पहले मोलरता दे रखी थी और अब की बार नॉर्मलता दे रखी है, कि 10 n H2SO4 की 10 n H2SO4 की मोलरता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया है, मोलरता ज्ञात करें। तो पहले देख लो क्या दे रखा है, नॉर्मलता दे रखा है, इसे एक्स फैक्टर निकाल सकते हैं, और मोलरता ज्ञात करनी है, तीनों है
इसमें सिर्फ मोलरता ही ज्ञात करनी है। तो पहले लिख दो कि नॉर्मलता दे रखी है 10 बराबर, मोलरता ज्ञात करनी है m, और x फैक्टर H2SO4 में कितने होते हैं, H2SO4 में 2। तो ये 2 गुणा में इधर जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे, तो 10 बटे हुए 2 बराबर m, तो आंसर कितना आ जाएगा 5। मोलरता कितनी होगी 5। तो इस प्रकार हम नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हैं। एक्स फैक्टर क्या होता है, अम्लता सारता या रेडोक्स परिवर्तन, रेडोक्स परिवर्तन आवेश की संख्या नेगेटिव या पॉजिटिव। फिर आगे हम बात करेंगे कि फॉर्मलता, मोलरता देख ली, मोलरता और आज हमने बात कर ली क्या नॉर्मलता कैसे ज्ञात की जाती है। फॉर्मलता क्या होती है इसकी बात करेंगे, फॉर्मलता जिसे फॉर्मेलिटी बोलते हैं, कि जब किसी पदार्थ का विलयन में संगुणन या वियोजन होता है, जब किसी पदार्थ का किसमें फॉर्मलता में, फॉर्मलता क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिटी, कि फॉर्मलता क्या होती है उसकी बात करेंगे। जब किसी पदार्थ का विलयन में, जब किसी पदार्थ का विलयन में संगुणन या वियोजन, संगुणन बोले तो एसोसिएशन, वह वियोजन बोले तो डिसोसिएशन, एसोसिएशन व डिसोसिएशन होता है। तो ये ध्यान रखना, संगुणन या वियोजन होता है तो मोलरता के स्थान पर फॉर्मलता का उपयोग किया जाता है, मोलरता के स्थान पर फॉर्मलता का उपयोग किया जाता है। जैसे एसिटिक अम्ल दे रखा है, क्या होता है एसिटिक अम्ल, CH3C WH के 2 अणु दे रखे हैं, तो बात कर सकते हैं CH3 C O और OH O H O, CH3 OH और O। तो ये 2 यौगिक हैं, इसमें एक में क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है, एक में वियोजन, एसोसिएशन है डिसोसिएशन। तो ऐसा एसोसिएशन में डिसोसिएशन हो तो मोलरता के स्थान पर फॉर्मलता का उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर एक नोट बना लीजिए, इसी नोट के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। नोट बना के लिखना कि वे सांद्रता क्या हैं जिनमें आयतन पाया जाता है, कि सांद्रता क्या हैं जिसमें आयतन पाया जाता है। जैसे हमने मोलरता, नॉर्मलता या फॉर्मलता ज्ञात की थी, तो उसमें किसमें आयतन या किलोग्राम वो होता था, वो आयतन पाया जाता है, तो तार पर निर्भर करती है कि वह सांद्रता इकाइयां जिनमें आयतन पाया जाता है, जिनमें आयतन
पाया जाता है? ताप पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है। तो आयतन किस में पाया जाता है? मोलरता है, उसमें आयतन पाया जाता है। ये ध्यान रखना कि ताप बढ़ने पर आयतन घटता है। कि आयतन पाया जाए ताप निर्भर क्यों करती है, इसका कारण क्या है? कारण है कि ताप बढ़ने पर आयतन घटता है। तो इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।